शॉट 1 2 3 तीन गाड़े सैंडो शॉट से बहुत तेजी से आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक अमेजिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें आप ढेर सारे गेम्स खेल के काफी सारे पैसे कमा सकते हो। इस ऐप का नाम है दोस्तों विंजो। विंजो पे आप काफी सारे गेम्स खेल के ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। इस ऐप में आपको 40 से भी ज्यादा गेम मिलेंगे जैसे बबल शूटर, फ्री फायर, कैरम और बहुत सारे गेम्स। ए, इतना ही नहीं, विंजो ऐप में चल रहा है फैंटेसी स्पोर्ट IPL सीजन जिससे तुम डेली के 20,000 रुपए कमा सकते हो। और अगर आप विंजो ऐप किसी को रेफर करते हैं तो आपको 40 रुपए तक का बोनस मिल सकता है जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, जैसे मुझे भी मिला। और विंजो ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके अकाउंट में 3 रुपए भी है तो यार आप उसे आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो कोई भी वॉलेट के जरिए, पेटीएम, UPI या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए। तो यार बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत आपको ट्रांसफर में नहीं होने वाली। और अगर आप इसे डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 50 रुपए का बोनस तक मिल जाएगा और साथ ही साथ एक फैंटेसी टिकट भी मिलेगा। ए, तो देख क्या रहे हो, जाओ ऐप डाउनलोड करो और गेम खेलो और पैसे वैसे कमाओ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ फिर से। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरे से लड़ना बेकार है, पर तुम सुने ही नहीं और अब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने नहीं वाला हूँ। पर सबसे पहले तो इस चिकने को मारूंगा, टकले को बहुत बन रहा था। मैं तुझे तेरी पसंदीदार गन से मारूंगा। ये देख तेरी गन, बता कहाँ मारू गोली, तेरे भेजे में। उसे छोड़ दो, नियतों को मार के कोई फायदा नहीं है। अरे ये कौन बोला? अरे नुबड़े, तेरे में इतनी हिम्मत जो अभी भी बोलने की ताकत रखता है, लगता है कि उसकी मार कुछ कम थी। अभी तेरे को पहले मैं मेरी मार, ये ले, बोल, बड़ा बोल, अपना बोल, तू बोल रे, बोल अब बोल, बहुत मार खाया तू। तुम जैसे लोग हमारी मार खाने के लिए ही बने होते हो, तुमको कितना भी मारो तुम नुबड़े के नुबड़े होते हो, कभी भी पलट के वार नहीं करूंगे, है ना? अभी मैं तुम्हें इतना बुरा मारूंगा कि अगली बार तू मेरी जबान नहीं लड़ा पाएगा। अरे ये क्या हो गया? नो, अरे ये क्या हो रहा है? कि तू इस 2 कौड़ी के गोल्ड रॉयल बंडल से मुझे हराएगा। तुम ये नहीं जानते कि ओल्ड इज गोल्ड और तुमसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मेरी है और अब तुम मरोगे वो भी मेरे हाथों। आ जा नुबड़ा। या फ्लाइंग जंप। तेरे जैसे नुबड़े से मैं नहीं हारूंगा। आ जा फिर से एक बार। आ जा ये ले। अपने काबिल जो। तेरे ये वार मुझ पे ज्यादा असर नहीं करने वाले। ये ले, तू गोल्ड है, गोल्ड ही रहेगा, डायमंड की औकात तेरे को पता नहीं। और बोल, ये मार खा, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ और रहूंगा। 2 कौड़ी के गोल्ड रॉयल बंडल पुराना है तो फेमस हो जाएगा। अरे नहीं, अरे अरे तुम यही लायक हो, तुम मेरे दोस्त थे इसलिए मैंने तुम पे हाथ नहीं उठाया, तो तुम मुझे नुबड़ा समझ रहे हो। अब मुझे तुम पे हाथ उठाना पड़ेगा। ये लो, ये लो,
ये लो, ये लो, ये भी लो, और ये लो, नहीं, तुम्हारी सारी शक्तियाँ मैंने खींच ली है, अब तो वापस आ जाओ वैनम। मैं कहाँ पर हूँ? आखिर मेरा दोस्त वैनम वापस आ ही गया, चलो घर चलते हैं। अरे वो क्रिमिनल लोग पता नहीं कब आएंगे, कब से गए हैं गेमिंग पोर्टल की की लेने के लिए, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। क्या लोग के बच्चे ने उनको खत्म कर दिया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या होगा? उस लोग की इतनी हिम्मत नहीं कि हम क्रिमिनल भाइयों को मार सके। हाँ, वो नुबला जीटीओ वालों के साथ खेल रहा है, और उसे ये बात पता नहीं फ्री फायर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चिल्लामत, कहीं उन्हें नया साथी तो नहीं मिल गया जो उनकी मदद कर रहा हो। और पता नहीं लूसियस भी अभी तक नहीं आया, लास्ट टाइम तो उसने एडम की छुट्टी कर दी थी, लेकिन अभी तक लूसियस आया क्यों नहीं, मुझे फिकर हो रही है। मैंने पहले ही कहा था उस हयातो को टीम में मत रखो, अभी तो कोई सुनता नहीं ना, वो पहले से गद्दार ही था। पता नहीं ये जेंटलमैन कब दूसरा पीस लेके आएंगे हमारे गेमिंग पोर्टल का, अनिष्ट देव राह देख रहे हैं हमारी। अरे कहीं वो लोग गधे की बिरयानी खाने तो नहीं चले गए, जाने दो वो बात को, वो आते ही होंगे। ये जेंटलमैन आ जाए तो अच्छा ही होगा, वरना अनिष्ट देव का गुस्सा। पता नहीं मेरे भाई लोग कहाँ चले गए, और मेरे करोड़ों डायमंड भी, पता नहीं वो लोग कब मिलेंगे मुझे। वो लोग भाग गए और साथ में वो गेमिंग पोर्टल का पीस भी लेके चले गए। क्या कहा तुमने, गेमिंग पोर्टल का दूसरा पीस वो लेके चले गए? नहीं जेंटलमैन, इतना इंपॉर्टेंट पीस आपसे खो कैसे गया, आप उन्हें ऐसे कैसे ले जान दे सकते हो? ऐसे दो कौड़ी के अरीना वॉल व्हीकल की वजह से वो भाग गए। अरे तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, इनकी क्या गलती है? तेरे दो कौड़ी के अरीना वॉल व्हीकल के वजह से वो लोग भाग गए, और तू पूछता है कि क्या हुआ है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी बेकार गाड़ियों की वजह से। पर जेंटलमैन मेरी बात तो सुनिए, वो गाड़ियाँ बेकार नहीं है, वो चुप, बिल्कुल चुप, हमसे जबान लड़ाएगा। तेरी वो गाड़ी ना ठीक से चल रही थी, ना डेंग से मुड़ रही थी, उसके वजह से मैं ठुक गया। सही कहा तुमने, इसके गाड़ी की वजह से मैं डूबते डूबते बच गया, इसने कहा था कि ये गाड़ियाँ सेफ है, ये झूठ बोला, अब ते को तो मरना ही पड़ेगा मार्टिन। जेंटलमैन मेरी बात तो सुनिए। अरे इसके जेंटलमैन को मारो, इसको मारो, इसको जल्दी मारो। ये नमूना यहाँ क्या कर रहा है? ओ माइकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शेरों के इलाके में अकेले आ गए? जान छुटी, ये क्या कर रहा है यहाँ? माइकल माइकल माइकल, क्या मैं तुम्हारी यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ कि इधर तुम क्यों आए? क्या तुम्हें मरने का इतना ही शौक है? हाँ देखो माइकल, हमारे सामने खड़ा है, अब मैं मारूंगा इसे, सबसे पहले मैं ही मारूंगा भैया जी। मारू क्या बोल, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है जो बॉस से मिलेगा? माइकल मरने वाला है और फ्री फायर जिंदाबाद होने वाला है, और तू मेरे हाथ से मरने वाला है। माइकल तू मरने वाला है। रुक जा बेवकूफो, उसे मैंने बुलाया है, रुको। क्यों कहो, तूने क्यों बुलाया है? रुक जाओ, मैं नीचे आके सब समझाता हूँ। अरे रुको रुको, उसे मैंने ही बुलाया है, असल में ये हमारा नया साथी है। माइकल क्या तुमने वो पोर्टल ले आए? तुम्हें गेमिंग पोर्टल का दूसरा पीस लाना था, क्या तुम वो ले आए? हाँ बोलो। मैं ले आया, वो गेमिंग पोर्टल का दूसरा पीस मेरे पास है, मैंने जय के पास से लिया था, ये लो। आखिरकार मेरे पास गेमिंग पोर्टल का दूसरा पीस है, थैंक यू माइकल, अब तुम हमारे साथ ही रहना। दोस्तों अब देखो, आप लोग सैंटोस देखेगा, तबाही का दूसरा मंजर, ये है गेमिंग पोर्टल का दूसरा पीस, मतलब अनिष्ट देव आएंगे वापस। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, गेमिंग पोर्टल का पहला पीस मेरे पास, मैं लेके आया, और दूसरा पीस तुम्हारे पास, मतलब आप समझ रहे हो क्या होगा? बताओ मुझे अब क्या होने वाला है? अब होगा फ्री फायर जिंदाबाद, बोलो फ्री फायर जिंदाबाद, सही कहा ना मैंने? हाँ अब हम क्रैश कोर्ट में 700 लोगों के साथ खेलेंगे। अब रैंक गेम में कोई कैंपिंग नहीं करेगा, फिर अब रैंक गेम में 50 नहीं 500 बंदे आएंगे और सब ब्रश करेंगे। हा, 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 हा। मुझे लगता है ये लोग पागल हो गए, सही कहा ना भाई? सही कहा तुमने, खुशी के मारे पागल हो चुके हैं ये लोग। पर अब मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि 10 मिनट का मैच 1 घंटे चलेगा, वाओ! और हमें रैंक पॉइंट भी ज्यादा मिलेंगे,
और मैं इस बार ग्लोबल पर भी आऊंगा। सही कहा तुमने, ग्लोबल। मेरे भी जाना था एक बार ग्लोबल। मार्टिन, मुझे इनकी हरकतों पर शक हो रहा है, पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। ओ भैया जी, बहुत गलत काम हो गया भैया जी। नहीं भैया जी, बहुत गलत काम हो गया भैया जी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम लोग बातें कर रहे हो हमरे बिना? क्या चल रहा है इधर? हाँ, हमको बताए तक नहीं, सब लोग बातें कर रहे हो। खुशखबरी है, पर तुम्हारा मुंह काहे को लटका हुआ है? बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरे तुमको क्या बताया भैया, हमारे सामने 16 साल के लड़के का मौत हो गया। हम तो लोग के पीछे लगे थे, लेकिन कला का बच्चा बीच में आ गया और अपनी जान दे दिया। मर गया वो मर गया। हमारा भाई लोग कहाँ है? हमारा भाई लोग का भी एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ है? अरे पिलू, तू कहाँ गए? तू ठीक है? तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना? मेरे हाथ में लग गया था, अभी भी छिल रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम थोड़ी बात करो, अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है? अब समझो कि GTA 5 हमारा हो चुका है। ओ भैया जी, GTA 5 तो रॉकस्टार गेम्स का है, हमारा कैसे हो जाएगा GTA 5? कुछ भी लॉजिक की बात नहीं करने का। अरे ये का, ये माइकल तथा यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू अपने रास्ता वास्ता तो भटक गया है, ये हमारा इलाका है बेटा। अब ये हमारी टीम में है, ये मेरे साथ हो चुका है। ओ ससुरा, तुम तो कमाल कर दिए। वाह 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 वाह, दुश्मनों का मिला दिया हमारे साथ। पर एक बात बता दे रहे, अगर मर गए तो वापस नहीं ला सकते, कान पे गोली खानी पड़ेगी, हर जगह गोली खानी पड़ेगी। हाँ हम रूम मर के आ गए, लेकिन तुमको जिंदा कर देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चलो फिर मालिक को हम वापस लेके आते। ये लोग अभी तक क्या आए क्यों नहीं? अपनी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया, अपुन तो आ गए, ये लोग किधर रह गए? हम तो पैदल भी आ गए, ये लोग तो गाड़िया से भी नहीं आ पा रहे। क्या बोलते निको भाई, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ? अरे वो देखो, वो भी आ रहे हैं, वो भी पैदल पैदल, पता नहीं क्या हुआ होगा। एडम, ये कपड़े देखो कहाँ से मिले, क्या कपड़े है तेरे? वाओ। अरे वाह एडम, क्या बाल है तुम्हारे, क्या सही है भाई बाल। वाओ, ऐसे बालों के लिए मैं जिंदगी भर मर रहा हूँ। हाय दोस्तों, मुझे पहचाना नहीं? मैं आया तो। हाँ हाँ, पहचान लिया, तुम्हारी मार अभी भी मेरी कान की नीचे दस्तक देती है। ए, ये अभी भी अच्छा है कि फिर से मारेगा अपने को, उसका भरोसा नहीं कर। तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं बहुत अच्छा हो चुका हूँ। बिल्कुल सही कहा वैनम, जैसे मैं, अब देखो कितना स्मार्ट हो चुका हूँ मैं। एडम भैया, तुम वहाँ पे भी ऐसे ही दिखते थे, ज्यादा बात मत बोलो। वैसे आया तो जब तू रूबी नहीं मानता तो उन्हें बहुत जोर से मारा मेरे को, मैं नहीं भूलूंगा रे। अरे मुझे छोटा भाई समझ के माफ कर दो, होता है कभी कभी जब दिमाग खराब हो जाता है तो। तुम्हारे ये खराब दिमाग के चक्कर में हमारे को अच्छे दर्द मिल गए, लेकिन हाँ, इसने तो मुझे पहाड़ी से फेंक ही दिया था, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, पर अच्छा हुआ बच गया। दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। एडम एडम एडम, ओह एडम, एक बात बतानी तुम्हें, पोर्टल चोर हो गया एडम, पोर्टल चोर हो गया, गद्दारी हो गया एडम, गद्दारी, किसे गद्दारी की है मेरे साथ? दुनिया बहुत खराब है एडम, बहुत खराब है एडम दुनिया। ये क्या हुआ है तुम्हें, क्या गद्दारी? गेमिंग पोर्टल माइकल ने चुरा लिया, पूरे वक्त हमारे साथ गद्दार था, वो था माइकल, माइकल गेमिंग पोर्टल लेके भाग गया। क्या क्या क्या? आओ नहीं तो क्या मतलब क्या? ये तो बहुत गलत। जबान संभाल के बात करो जय, तुम किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें पता भी है? ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसने मुझे गन बताई और मेरी कार भी, और वो गेमिंग पोर्टल लेके भी भाग गया वो। ये तो गद्दारी हुई, ये क्या चल रहा है ट्रेवर? एडम मुझ पे मत चिल्लाओ, मेरी थोड़ी ना गलती है, मुझे क्या पता माइकल ने क्या किया है। कैसे बताऊंगा एडम को, कैसे? अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम में से कोई भी गद्दारी कर सकता है, क्या भरोसा? एडम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, गेमिंग पोर्टल को माइकल दादा ने चुरा लिया है, ये लोग गद्दार है, हम सब फ्री फायर वाले अब सब अलग रहेंगे। वैसे क्ला कहा है? असल में वो लगता है वो जिम गया होगा, मैं उसे फोन लगा के बुला लेता हूँ, उसे भी तो पता चलना चाहिए कितने गद्दार है इधर। वो फोन नहीं उठाने वाला, मत लगाओ उसे फोन। क्यों ना लगाओ उसे फोन, क्या हुआ, ज्यादा जिम मारने वाला है? मैं कैसे बताऊं तुमको? क्या कहा तुमने बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो तुम? लमार तुम कुछ बोलो। अरे बाबा बात असल में ऐसी है कि, अरे अरे रुको बाबा रुको, लमार जो बताना है सच सच बताओ। अरे तुम लोग क्या छुपा रहे हो, बताओ लोग, तुम्हें डीजी की कसम क्ला इस दुनिया में नहीं रहा। आई एम सॉरी एडम, क्ला नहीं रहा इस दुनिया में। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अलग तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी। आई एम सॉरी एडम, जो क्रिमिनल हमारा पीछा कर रहे थे, उसी चेसिंग के दौरान उसकी गाड़ी से टक्कर हो गई और क्ला की गाड़ी ब्लास्ट हो गई, क्ला की गाड़ी ब्लास्ट हो गई। नहीं
ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पहले एक बार है तो गया था, अब क्लास चले गया, मैं क्या करूं? अच्छा नहीं हो सकता, 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 नहीं होगा, नहीं। क्लास तुम क्यों छोड़ के चले गए मुझे? पहले बोले भी अब तुम। अरे बाबा होता है, अरे होता है, गाड़ी दूसरे की है वो। ए, आजकल के पोट्टे बहुत बेकार गाड़ियां चलाते, क्या बोल रहा। पहले माइकल की कहानी, उसके बाद क्लास की मैया, वो तो हो ही नहीं सकता। जय संभालो खुद को, अभी पूरी लड़ाई हमारे ऊपर आ पड़ी है। ये लड़ाई अब तुम्हारी नहीं, ये सिर्फ हमारी लड़ाई है। अच्छा लड़का था क्लान, अच्छी गाड़ी चलाता था बेचारा, अकेले बैठ गया। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एयरफोर्स में सिग्नल आ रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं। चलो आलोक, सब चलो साथ जल्दी मेरे, मुझे नए स्क्वाड मेंबर्स के सिग्नल आ रहे हैं, हमें जल्द जाना होगा। आलोक इधर से। हम भी चलते तुम्हारे साथ, सब लोग चलते हैं, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, देख लेना। नहीं, तुम में से कोई भी गद्दार हो सकता है। अब जय हयातो और आलोक ही मेरी टीम है, तुम अपना निपटो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? GTFI के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया जैसे कि अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा दोस्तों, अभी अपने यार बहुत कुछ भयंकर सीन हो चुके हैं। सबसे पहले तो यार माइकल दादा ने गद्दारी कर चुके हैं, मतलब भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई माइकल दादा इस तरीके से गद्दारी करेंगे और अब जो क्रिमिनल लोगों के साथ है, अपने जो जोकर वगैरह के साथ है, उनके साथ मिल जाएंगे। अब जो रीज़न है भाई माइकल दादा ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से यार वो मिल चुके हैं, वो तो अपने को बिल्कुल भी पता नहीं है दोस्तों। वो तो भाई माइकल दादा ही जाने के भाई क्यों वो क्रिमिनल लोगों का साथ दे रहे, क्यों उन्होंने टेलीपोर्ट लगन वगैरह चुरा लिए, ये तो अपने को बिल्कुल नहीं पता। इसकी वजह से जो अपने एडम चचा है ना, उनका भरोसा पूरी तरीके से टीम से उड़ गया है। इसी वजह से अभी सिर्फ चार ही लोग जो अपने फ्री फायर के मेंबर्स है, अभी अपने एडम चचा, आलोक, साथ में अपने जय भैया और साथ में भाई अभी जो अपने हयातो आ गए अपने पास वापस। भाई हयातो को रूबी डीमन से वापस लाना बहुत मुश्किल था, मतलब भाई रूबी डीमन ने जो काबू कर लिया था ना हयातो के ऊपर, वो भी देखने के लायक था भाई। लेकिन फाइनली अपने पास हयातो आ गया, लेकिन दुख भाई अपने को सिर्फ इस बात का है कि भाई क्ला अब अपने बीच में नहीं है। पहले ओलिविया छोड़ के चले गई और भाई क्ला को मारने वाला भाई आप लोगों को पता है भाई कौन है? भाई आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर किसी का साइड लेने की बात आई, किसी का सपोर्ट लेने की बात आई, तो यार कौन हो सकता हो? क्या आप अपनी टीम की सपोर्ट लोगे या फिर भाई जिस बंदे ने क्ला को मारा उसकी सपोर्ट लोगे? एक बार दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये बात भी ज़रूर बताना कि इनमें से फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है। और भाई आप देख रहे हो कि एडम चचा है ना, आज ड्राइविंग कुछ ठीक ठाक नहीं कर रहे, क्योंकि भाई थोड़े से गम में है। एक्चुअली वो गम आपको पता है किस बात का गम है, एक्चुअली यहाँ पे दो चार गम पड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार अभी एनी टाइम वो जो अनिष्ट देव है, जो भी उनके बोलते हैं ये लोग जोकर क्रिमिनल, वो एनी टाइम आ सकता है। तो यार अपने ऊपर तो खतरे ही खतरे मंडरा रहे हैं, लेकिन अब भाई देखते हैं जो भी खतरा होगा सब लोग मिलके यार सामना कर ही लेंगे। तो यार चलो दोस्तों अभी अपन पहुंच चुके हैं, बात करते करते बिल्कुल भी पता नहीं चला कि अपन कब उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां से सारे के सारे सिग्नल अपने एडम चचा को मिल रहे थे। तो चलो यार फटाफट वहां पर चलते हैं। और दोस्तों और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना यार, लाइक ज़रूर कर दिया करो। मालूम है भाई वीडियो लेट आ रहे हैं, बहुत देर से आया है, लेकिन भाई क्या करूँ, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नए कैरेक्टर्स आपके लिए लेके आने पड़ते हैं भाई। ओ भाई सॉरी, गाड़ी ऐसे पे अटक चुकी है भाई, अब यहाँ से नहीं निकलेंगी, तो इससे आगे अपने को पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं कह रहा था भाई थोड़ा सा कुछ नया लाने में टाइम लग जाता है, उसके लिए माफ़ करना भाई, लेकिन जल्दी जल्दी बनाने की मैं कोशिश करता ही चूँ भाई आपके लिए। नया और कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक कंटेंट लाना ही भाई मेरा काम है भाई। तो आपको उम्मीद है यार वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगती है यार प्लीज़, और कमेंट करके बताते रहते हो तो मैं उस हिसाब से आपके फेवरेट कैरेक्टर्स भी गेम में ऐड करते जाता हूँ भाई, जो जो आपको चाहिए होते हैं वैसे मैं यहाँ पे लेके आते रहता हूँ। तो यार एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो आज नए कैरेक्टर्स दिखे हैं, जो भी दिखे कैसे लगे। आखिरकार हम पहुँच ही गए, मुझे पूरे सिग्नल इधर से आ रहे हैं। रुको, चलो जल्दी चलो मेरे पीछे, चलो मेरे पीछे। अरे नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओके मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। विश्वास, उम्मीद कितने बढ़िया फूल है ना, मुझे याद दिलाते हैं मेरे पहले प्यार की, जो बुरी तरीके से मारा गया था। जब भी उन फूल को देखता हूँ तो मरने और मारने का जी करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा करता है। मेरे हाथ खून से रंग चुके हैं, पूरी तरह रंग चुके हैं। किसका खून? ये तुम क्या बात कर रहे हो? के तुम इतने टाइम से कहाँ थे, हमने तुम्हें कितना ढूंढा। ये के कौन है, कहीं ये किंग खान तो नहीं? एडम मुझे इसका दिमाग कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ये सब बातें छोड़ो के, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें लॉस सैंटोस को बचाना है और फ्री फायर में वापस जा रहे हैं। ओ यस, मेरी हेल्प चाहिए, डेफिनेटली मैं तो हेल्प बिल्कुल करूंगा तुम्हारी, क्यों नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारी मदद करने में। अगर तुम लड़ नहीं चाहते हो तो लड़ लो।
अरे तुम मार क्यों रहे हो? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी हाइस्ट आर्मी, खत्म कर दो इन्हें, जल्दी आओ। मेरा 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 मुझे लगा था कुछ चाल है। उशम बुशम, आ जाओ लड़ लो मुझसे। अभी तुम्हारे लिए मेरा हाथ नहीं हथौड़ा है, ये ले, ये ले, रासून, वरी बाइक को, या, हु, ये ले मार खा, यो, वो फंटेस्टिक, वो, वो, ये ले, वो, ये ले फंटेस्टिक, वो, दिक रोशन, वो, आम दिक रोशन, आम, मेरा, या, वो, 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 सस्ती आर्मी, वो तो हमारी जान के पीछे बहुत अच्छे लड़ते हो, लेकिन तुम्हारे हिंदू ब्रह्मंडल किसी भी काम के नहीं आने वाले, लोगों को मारने वाले साले लेग वाले गंडे के डर गया क्या? मुझे पीछे से कौन मार रहा है? ये लुबड़े, तू यहाँ फिर से नहीं उठ सकता। मैं फ्री फायर का सबसे अपडेटेड और नया कैरेक्टर हूँ। इसको तो मैं पीछे से मारूंगा। ले 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 ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन कर, ओहो ओहो, इतने बेवकूफ हो जाए, लगता है फ्री फायर में अभी अभी आए हो। वैसे अभी अभी तो आए हो लेकिन नहीं जानते मेरी ताकत को। तुम जैसे लुबड़े लोग हमेशा लुबड़े बंडल पहन के लुबड़े सताते हो। खत्म, तुम मुझे नहीं मारते। मेरे सामने तुम्हारी ताकत कोई काम की नहीं है, समझ में आया क्या? ओह अल्लो, तुम डीजे बजाते हो लेकिन मैं डीजे हिलाता हूँ। तुम ये जो भी कर रहे हो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। के तुम नहीं जानते हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों डीजे हैं। अरे काहे का भाई, सिंपैथी गेन कर रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है, मेरे साथ सिंपैथी गेन करेगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा के, डीजे है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, नहीं मारूंगा, तुम मेरे भाई कैसे हो? नहीं छोड़ूंगा, तुझको खत्म कर दूंगा। मेरे हाथ बहुत दिन से खून से रंगे नहीं। कमजोरों को मारने से कुछ नहीं होगा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मेरे से लड़ अगर हिम्मत है तो। ये ले, ये ले, ये ले भाई नुबड़े, हमको सिखाना, इतना पुराना बंडल हो के हमको सिखाएगा? अबे पुराने कह के, ये ले चक्कू का तूने चक्कू मारा, गलत किया। कोई फ्री फायर में चीटिंग नहीं होती, सब चलता है यहाँ पे, प्यार और जंग में सब जायज होता है। और अब फाइनली तेरी बारी है आलोक, अब तू नहीं बच सकता, तुझको भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। ये देख रहा है चक्कू, तू तो गया, बहुत दिनों से इंतजार था मुझे। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो विष्टम वणंचू द स्ट्रीट बॉय बंडल हाजिर है तुमसे लड़ने के लिए। अब आ जाओ, आ जाओ। बेवकूफ कही के, लगता है बंडल सिर्फ तुम्हारे पास है ना, तुमको ऐसे ही लगता ना? ये देख, ये देख, हलचल फसा बछुड़ा। बापरे नहीं, क्यों देख के हैरानी हुई? आलोक वो बंडल बहुत पुराना हो चुका है, ये है नया बंडल। पावर बंडल में नहीं, पावर दिल में होनी चाहिए। पर मैं तो दिल जरा हूं ना। यो तुम नहीं बनो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये ऐसा काम मत करना, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे सामने जिंदा जला दूंगा। तुम अब शैतानियत का नया रूप देखोगे। सबको साथ में तो ला लिया, अब जला दूंगा। तेल कहाँ है मेरा तेल? आ गया, ये तेल डाल के जला देता हूँ। इतना जलाऊंगा, वैसे ही जलाऊंगा जैसे उस क्लाक के बच्चे को जलाया था। कार में जैसे जला था, ये तो धूप में जलेंगे। अब मरो, मेरी गन कहाँ है? स्कोप लगा के मारूंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश ढूंढो, बोलो। देख कलोक के बच्चे, तेरे दोस्त तेरे सामने ही जिंदा जलेंगे, ये देख। इसको रब्बा।